तो गाइस पहला ऑर्डर आ गया है। आना है रमजान में, पहले पहले 10 दिन बहुत काम स्लो होता है, इसलिए भाई चेक करें 200 रुपया टिप हुई है, टोटल 400 रुपये का ऑर्डर पड़ा है। तो गाइस एक और ऑर्डर आ गया, ये ड्रॉप करने जा रहा हूँ मोहम्मद सुहेब। एक और ऑर्डर आ गया है, अभी ड्रॉप करने जाने, ये लोकेशन है, तो चलते हैं अभी ऊपर ही मिलते हैं। आ गया आपको, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब, मिलकर से कह रही है। तो यार सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक, आज रमज़ान का पहला रोज़ा आपके भाई ने रोज़ा रखा हुआ है, और कुछ ही टाइम रह गया रोज़ा खुलने में भी, तो सोचा आप लोग स्टार्ट कर लें, बाद में अंधेरा हो जाता है इंट्रो, आपको भी पता है इंट्रो रोड से होता है, इसलिए मैं सोचा आज इंट्रो घर से करेंगे। तो बाकी यार उम्मीद है कि सबका पहला रोज़ा अच्छा जाए। आज काम के हालात कैसे हैं, क्योंकि आज रमज़ान है, रमज़ान का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको दिखाएंगे साथ साथ क्या एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ, कैसा दिन गुजरता आज का, आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। बाकी मुझे शक है यार रमज़ान में पहले हफ्ते में ना काम स्लो कर, क्योंकि आपको भी पता है रमज़ान में रोज़ा रखे होते हैं, जब इफ्तार करते हैं आवाम खाती नहीं है इतना, आपको भी पता है, तो इसलिए यार हो सकता है काम स्लो हो। बाकी आपको दिखाता रहूँगा मैं साथ साथ, तो आपको मिलता हूँ, अब सीधा बाइक पर मिलूँगा, क्योंकि अब रोज़ इफ्तार करने का टाइम 10-15 मिनट रह गए हैं, रोज़ा इफ्तार करके सीधा निकलूँगा उधर ही, जैसे ही पहला ऑर्डर आएगा आपको दिखाऊँगा साथ ही, तो मिलते हैं आपको सीधा तारीख के बाद। तो गाइस पहला ऑर्डर आ गया है, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में आया, वेट कर रहे थे क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में पहले पहले 10 दिन बहुत काम स्लो होता है, इसलिए अचानक ही है। और कितने का पड़ा है ये भी आपको दिखाता हूँ, अभी लेके जा रहा हूँ, ऑर्डर पिक कर लिया, अभी कस्टमर के पास जाना है, तो चलता हूँ लोकेशन पे पहुँच के आपको मिलता हूँ, फिर ऑर्डर ड्रॉप करता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा सब कुछ, चलता हूँ भाई। चेक करें 200 रुपया टिप हुई है, ऑनलाइन पेड था, कन्फर्म ड्रॉप ऑफ करते हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने का पड़ा है, एक मिनट बस, एक मिनट, काफ़ी लंबा रूट था इसलिए थोड़ा सा पड़ा है, लेकिन बाकी ये देखें कितने का पड़ा है, नेट स्लो चल रहा है, अब ये मुझे पड़ा है टोटल 400 रुपये का ऑर्डर पड़ा है, 200 रुपया टिप हुई है, बाकी अब जा रहे हैं, बाकी आपको रास्ते में बताता हूँ, ऑर्डर पिक करने लगा हूँ, बाकी आपको बाद में मिलता हूँ, क्योंकि चेक कर सकते हैं टाउन में आया हूँ, इधर कोई भी नहीं सीन पार्ट नहीं है, इसलिए वापस जा रहा हूँ, वापस जा। तो गाइस एक और ऑर्डर आ गया, ये ड्रॉप करने जा रहा हूँ मोहम्मद सुहेब, अभी चलते हैं ड्रॉप करते हैं इसको, ड्रॉप करने जा रहे हैं, बाकी आप कराची बैकरी कराची बार भी उसने उठाया, तो अभी जा रहे हैं ड्रॉप करने, दूसरा ऑर्डर लगा आपका, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का आपको पता है, रमज़ान में पहले 10 दिन काम शुरू हुआ है यार, इसलिए ये तकरीबन लगा है 1 घंटे बाद लगा है, पहला दूसरा ऑर्डर लगा है, उम्मीद है कि इससे आगे भी लगेगा। बाकी ये गाइस एक और ऑर्डर आ गया, अभी वेंडर करते हैं फ्राई मास्टर का, 6 मिनट लगने हैं, चिकन चौमिन फुल 4%, अभी जा रहे हैं फ्राई मास्टर चलते हैं, बाकी आज का सीन भी बहुत है, अभी जा रहा है क्योंकि रमजान भी यार बहुत काफ़ी ज़्यादा बंदे कह रहे थे कि आज का सीन नहीं है, ये पहले दस दिन काम नहीं हुआ, पर आपके भाई के एक ऑर्डर लगा है, उसके बाद ऑर्डर पे ऑर्डर लग रहे हैं, काम उसका जा रहा है, बाकी रोड पे बाइक चला रहे हैं, फ्लाई ओवर पे पहुँच गए हैं, बाकी यार पहले जो सबसे पहले ऑर्डर हुआ है ना आपके भाई को, उस बंदे ने 200 रुपया टिप दे दिया आपके भाई को, यार वो मना दिल खुश हो गया, खुश हो गया, पहला ही ऑर्डर हैवी लग गया, सोचो बाकी ऑर्डर कैसे लगेगी, बाकी अब मैं जा रहा हूँ फ्लाई मास्टर पे, फ्लाई ओवर पे चढ़े हुए गुजरने वाला फ्लाई ओवर बैल होल्डर लगवाना है, ये सीन बहुत खराब है, हाथ में पकड़ने वाला बैल देगा सफाई नहीं चलती, आपको भी पता है बाइक नहीं चलती, इसलिए बैल होल्डर भी लगवाना, फ्राइडे को पेमेंट आ जाएगी, सैटरडे को लगवाएंगे,
बिल पूरा है कि अभी लोग आएंगे, बाकी अभी आपको मिलना उधर जाके फ्लाईओवर पे चढ़ा हूँ, गड्डी डाल दूँ ना तभी बस है डाल रही, चलते हैं उधर जाके मिलते हैं। बाकी बाकी छेवा डर आ गया गाइस, ये लोकेशन है इसकी, अभी ड्रॉप करने जा रहे हैं, चलते हैं सीधा रोड चेक करें गाइस। बस एक दो बज गए तकरीबन, एक बज गया है, खाली सुनसान, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही बहुत है। रमजान का ये थोड़ा सा मठा ही जाना है, बाकी इंशाल्लाह दूसरे तीसरे हफ्ते में दो हफ्ते लगे हैं ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, या सैरी भी करनी है अभी जाके, 2:30 बजे शिफ्ट खत्म होनी है मेरी, यहाँ सीधा सैरी करेंगे और फिर वहाँ करेंगे और सो जाएंगे। बाकी अंधेरा बहुत है और नीचे का कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए थले बैठना आपको मैं फ्लैश कर रहा है, फ्लैश इसलिए भी आपको बता देता हूँ यार। एक और ऑर्डर आ गया है, अभी ड्रॉप करने जाने, ये लोकेशन है, तो चलते हैं अभी ऊपर ही मिलते हैं, जा आगे आपको निकलते हैं। ये तकरीबन एक ऑर्डर आ गया है, लेट हो गया है, ऑर्डर ड्रॉप करते हैं, हो सकता है इसके बाद भी एक दो ऑर्डर मिले क्योंकि 2:30 बजे शिफ्ट खत्म होनी है मेरी, अभी इसके लेट हुआ है जाते हैं। बाकी यार आगे सीन हो गया मेरे साथ, मैं परवेश लेकर जा रहा था बाबा फरीद का, बस जस्ट रोड के पास पहुंचा तो रास्ते में टोयोटा पे तो आपको पता है कितने हैं, थोड़ा अंधेरा था ऊपर रोड पे भी, तो मैंने जा कस्टमर कॉल की, कस्टमर का नंबर ही बात कस्टमर का नंबर ही बात मैं अगर अचानक से दूसरी गली में दरवाजा खुला है और भाई चौंक में आया, मैं भी वापस गया, मैं जाके भाई से पूछ रहा हूँ भाई ये एड्रेस किधर है, वो कह रहे हैं भाई बड़कशुआर में आप ले गए हैं, मैं जी वो कह रहे हैं आगे से मेरा आर्डर, मैं ठीक हो गया आपका नंबर क्यों बांधता, वो जहाज में लगाया, मैं ठीक हो गया आर्डर पकड़े और ले पेमेंट पाई है, और मैंने जब बैग खोला और भाई साहब सब कुछ पूछा सीधा आया पे आई बर्गर उल्टे आई शुआरमा बच गई, मैं चौके दिता बात फिर उन्होंने मैं गया, तो अब वो यार बंदा बहुत चंगा ही आता है यार, कोई बात नहीं मैं आ गया यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो वैसे यह नहीं कहता कि मेरी गलती नहीं है, पर लक ही हो गया है, देखे हैं तो ये टप्पे ही बोलने मैं बंदा की करे थे, लक ही उन्होंने हो गया ही पुटा सीधा लेना को फिर होना ही पुटा सीधा काम, बाकी मिलना तो वाटर ड्रॉप कर ला फिर मिलने हैं तफसीना गल करने मैं शिफ्ट एंड हो गए, मैं बस 10-15 मिनट रह गया, दो मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, फोन का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, चेक कर सकते हैं कोई भी नहीं है रोडों पे, फुल सन्नाटा छा गया है, इससे अच्छा दिन घर चले जाए जाए ऊपर वाला को पैसे भी पास होते हैं, इसलिए अब इस टाइम कोई दुकान भी नहीं खुली होती, उससे अच्छा है सीधा सीधा घर चले जाए, शिफ्ट भी मैं एंड करने लगा हूँ, बाकी लोग अच्छा लगा तो लाइव सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी मिलते हैं आपको ध्यान रखें तो हमें गुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको भी पता है, सैरी भी करनी है अभी, दही भी लाया जाना है, तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।